ये है गांधी आश्रम, अनासक्ति आश्रम, जो कि एक कशोनी का हिल स्टेशन है। बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे कोई भी आदमी रह सकता है। यहाँ रहने का भी व्यवस्था है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी रूम की अवेलेबल कैसे है। यहाँ से सनसेट बहुत ही सुंदर लगता है, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आपको हिमालय रेंज दिखाई जाएंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो आपको मन को मोह लेगी। लोग कशोनी में सिर्फ इसी जगह को दर्शन देखने के लिए आते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, देख सकते हैं इसको। देख सकते हैं अभी यहाँ पे अनाशक्ति आश्रम में रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिसके कारण आपको 5-6 महीने और लगेंगे, जिसके कारण उसके बाद और भी भव्य इसकी जगह हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये अनाशक्ति आश्रम, जो कि एक गांधी जी यहाँ पे रहे थे, महात्मा गांधी जी यहाँ रहे थे सन 1929 में। हाँ, बहुत ही नज़ारा है। आइए आपको हम रूम दिखा देते हैं जल्दी से। ये अभी काम चल रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे लोग आकर रहते हैं। एकोमोडेशन है, जो कि काफ़ी रिजनेबल कॉस्ट है। आप देख सकते हैं नीचे 5 रूम है, ऊपर भी 5 रूम है। ये काम चल रहा है, इसीलिए आपको बहुत कम है। यहाँ पे गर्मियों के चार्जेस हैं यहाँ पे 650 रुपये पर नाइट, और ठंडियों में से रेट कम जाती है थोड़ी सी, 450 रुपये पर नाइट। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ 2 दिन के लिए। यहाँ से बाहर का दृश्य बहुत ही अच्छी है, और ये आपको रूम भी दिखा देता हूँ। ये आपकी रूम है, गांधी आश्रम का रूम, डबल बेड का, ठीक है, अच्छी है, रहने लायक है। बाथरूम भी काफ़ी बड़ी है, बाथरूम भी आपको दिखा देते हैं। ये बाथरूम जो कि काफ़ी बड़ी है, साफ सुथरी भी है। ये डबल बेड का रूम है, आपको दिखा देता हूँ। रूम के बाहर जो दृश्य है वो आपको दिखाता हूँ, काफ़ी मनमोहक दृश्य है, आपको मन को भा लेगी। कितने अच्छे रूम हैं, क्योंकि बंदर काफ़ी है यहाँ पे, बंदरों का उत्पात काफ़ी रहता है यहाँ पे, देख सकते हैं। भव्य जगह, भव्य नज़ारा है आपका। थैंक यू।